मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल फोर। ये क्यों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने अभी तक हमने क्वेश्चन करे सबसे हटकर है, क्यों है जल्दी से देखते हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस। ठीक है भैया, किस किस का वाई इक्वल्स टू एक्स और ये सर्कल के इक्वेशन। तो जल्दी से पहले तो कार्टेशियन प्लेन बनाइए। अच्छा जी, अब क्या कह रहे हैं कि वाई इक्वल्स टू एक्स, नाइन्थ क्लास में ऐसी बातें पढ़ी थी हम लोगों ने। तो y इक्वल्स एक्स का ग्राफ ओरिजिन से होता है, होता हुआ जाएगा और स्ट्रेट लाइन। तो ये आ गया y इक्वल्स टू एक्स। अब वैसे जाएगा तो इस तरफ भी, पर हमसे बोला गया x एक्सिस, हमने इसी तरह से ले लिया। वैसे नीचे भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 32, ये पक्की बात है, सर्कल की इक्वेशन है। तो इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखा देते हैं आपको। y को लिख सकते हैं y माइनस जीरो, 32 को लिख सकते हैं क्या 4√2 का होल स्क्वायर। बहुत से बच्चों को डाउट होगा सर कैसे, ट्वेल्थ में हो डाउट होना तो नहीं चाहिए। 32 के फैक्टर करो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, इसके पेयर बन गए, इसके पेयर बन गए, जिसके पेयर बन जाते हैं वो भाग जाते हैं। तो यहाँ से एक 2 आ गया, यहाँ से एक 2 आ गया, 2 जा 4, अभी इकलौता 2 बचा ना, तो इसीलिए √2, ये रूट पे रहेगा। स्क्वायर लगा दो, 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2, 16 × 2 जा 32। तो ये रेडियस हो गई। तो ये जो सर्कल हमारा बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। तो सर्कल की जो रेडियस है वो यहाँ तक होगी, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4√2, 0। अच्छा जी, अब ये वाला पोर्शन है, ये वाला एरिया है जो हमको फाइंड करना है। क्यों इनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस, भैया एक्स एक्सिस से बंद यही है और इस वाली लाइन की इक्वेशन से बंद है और इससे ही बंद है। अगर दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर इसको क्यों नहीं लिया, तो इसके एरिया में कहीं भी एक्स एक्सिस नहीं आ रहा है। आप कहीं सर इसको क्यों नहीं लिया, भैया इसमें कहीं लाइन नहीं आ रही है, ठीक है ना सर। तो चलिए अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों, देखो अब आप कहीं सर इसमें नॉर्मली स्ट्रिप ले लो, दिक्कत क्या है इसमें, स्ट्रिप ले लो। आप बोल रहे हो बड़ा इंपॉर्टेंट, ऐसा क्या है, देखते हैं क्या है। सपोज मैंने ये स्ट्रिप ली, अब ये जो स्ट्रिप मूव करेगी तो एक नियम ये है एनसीईआरटी में, ये एम्फेसाइज किया गया है क्या, कि अगर ये हमारे पास स्ट्रिप है, इसका जो टॉप है, इसका जो ये बॉटम है, जब ये मूव कराते हैं ना, हम लोग कहते हैं ये मूव करेगा, तो इसका टॉप जो है वो जिस ग्राफ पे टच है वो हमेशा उसी पे टच होना चाहिए, इसका जो बॉटम जिससे टच है उसी से होना चाहिए। बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, देखो ये भी स्ट्रिप पे मूव करते करते एक समय यहाँ पर भी आएगी। तो अब जो इसका टॉप है वो सर्कल की इक्वेशन से टच हो गया, और अभी जो इसका टॉप था वो वाई कॉस एक्स के ग्राफ पर टच था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अब क्या करेंगे इसमें, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये रहा भैया दो पार्ट में, इसे हमने क्या किया डिवाइड कर दिया, इसका एरिया अलग निकालेंगे, इसका एरिया अलग निकाले, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला करो, ये इनको कौन कौन टच कर रहा है, कट कर रहा है, एक तो वाई इक्वल्स टू एक्स और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4√2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके एक्स और वाई निकालें। एक बात सुनो, हम क्या करते हैं x बराबर y है, जहाँ y है वहाँ पे x रख सकते हैं। तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 32, तो ये हो गया 2x² = 32, 2 से ये शहीद हो गया, 16 आया, तो x की वैल्यू आई प्लस माइनस 4, तो यहाँ पे x 4 होगा। अच्छा, जो x है वही y होगा, तो y भी कितना आ गया 4। अब आप कहेंगे सर जो एक माइनस आया इसका काम क्या है, अरे मैंने बताया था ये लाइन आगे जाएगी, तो यहाँ पे -4, 4। चलिए सर, अच्छा जी, तो अगर ये इसका नाम तो ओ ए बी सी, अगर ये इस तरीके से है तो सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 4, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है डियर, 0, और ये कितना है हमारे पास 4। मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होगी, क्या दिक्कत हो रही, सुनो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4, 0, 4, 4 है, मतलब ये भी 4 और ये भी 4, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 4, 0। अब टोटल एरिया जो हम लोग निकालेंगे, टोटल एरिया वो क्या होगा, इन दोनों एरिया को ऐड कर देना, तो एरिया ओ सी बी ओ प्लस एरिया सी ए बी ओ। तो चलिए भैया कैसे करेंगे, देखो
अब अगर मैं इस स्ट्रिप को लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, पक्की बात है, डी एक्स आँख बंद करके लिख दो, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दो, मान लो एक्स वन और ये वाई वन, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी सर, वाई वन। अच्छा, ये जो स्ट्रिप मूव करेगी जीरो से लेके यहाँ तक, मतलब जीरो से फोर तक प्लस, अब इसका देखो, ये मैंने एक स्ट्रिप ले ली, इसके कोऑर्डिनेट मान लो एक्स टू और ये वाई टू, ठीक है सर, तो ये कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, फोर से फोर रूट टू, फोर से ये फोर रूट टू, और इसकी लेंथ कितनी होगी वाई टू और ये डी एक्स। चलिए आ जाइए भैया, जीरो से फोर वाई वन, वाई वन किस पे टच कर रहा है, वाई वन इस ग्राफ पर टच कर रहा है, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालो एक्स, तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस फोर से फोर रूट टू। वाई टू किस पे टच कर रहा है, वाई टू भैया कर रहा है सर्कल पर, अब सर्कल से वाई की वैल्यू निकालिए तो क्या निकल जाएगा, फोर रूट टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये अंडर रूट के साथ। अब यार कायदे में देखा जाए कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें, देखो कैसे एक्स का तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू, ये तो बच्चा बच्चा कर देगा, जीरो से फोर प्लस, अब देखो इस पूरे को ए मानो तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन टू अंडर रूट फोर रूट टू स्क्वायर, दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर ए का इसको 32 बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आया और फोर से फोर रूट टू। चलिए इसका तो आंसर क्या आएगा, एक्स की जगह फोर, फोर जा सिक्सटीन, तो एट आ गया, तो छोड़ो प्लस, एक बार रखो भाई अपर लिमिट, बोले तो फोर रूट टू, सुनो अब एक्स की जगह फोर रूट टू का होल स्क्वायर होगा, ये तो पूरा जीरो हो गया क्योंकि ये पहले से ही फोर रूट टू का होल स्क्वायर है, अब यहाँ रखेंगे तो ये थर्टी टू अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स की जगह फोर रूट टू रखोगे तो ये वन आ जाएगा, ये तो हमने रख दी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, जहाँ एक्स है उसकी जगह फोर पुट करो, तो सुनो भैया एक्स की जगह फोर पुट करो, फोर वाई टू, अभी फोर रूट टू का होल स्क्वायर कितना हुआ, ये तो 32 हुआ, और x की जगह 4 करो तो 16, अब 32 से 16 का तो आंसर कितना आया 16, और 16 का अंडर रूट कितना होगा डियर, कितना होगा सर 4, कितना होगा सर 4 प्लस, अब यहाँ रखो x की जगह, तो x की जगह 4 कर पुट करोगे, 4 से 4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट टू। चलिए अगली लाइन में आंसर दो कैसे आएगा, इसको कट करो कितना होगा 16, और साइन में इन वन को लिखेंगे पाई बाई टू, तो ये कितना आएगा पाई बाई टू माइनस कितना हो गया डियर ये हमारे पास 8, और ये प्लस 16, और इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी पाई बाई फोर, तो ये हो गया 4 4 जा 16, क्यों सर पाई बाई टू, अरे पाई बाई फोर वन अपर रूट टू वैल्यू साइन में किसकी होती पाई बाई फोर की, यार कैलकुलेशन है मज़ा नहीं आ रहा, पता नहीं हो, अभी इससे ये काटो 8 पाई हो गया, प्लस का 8 पाई, माइनस ने अंदर एंट्री करी माइनस का 8 और माइनस का 4 पाई, 8 से 8 सही हो गया, तो 4 पाई स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूलना, आंसर एकदम ठीक है ओके।